मानव जीवन की शोभा आप उन आभूषणों से नहीं संयम धारण करने से होती है। हमारे जीवन में संयम अति आवश्यक है। सम्यक की परिभाषा करते हुए भी कहा है, सम्यक प्रकार से यानी भली प्रकार से यम और नियम का पालन करना। यम किसे कहती है? जो आजीवन व्रत नियम लिए जाते हैं वह यम कहलाता है, और नियम जो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए लिया जाता है वह नियम कहलाता है। हमारे यहां आचार्यों ने संयम को दो भागों में विभाजित किया है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम जो पांच इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इसकी वशीभूत होकर के यह प्राणी, यह मानव, और मानव ही क्या कहे, एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक का जीव अपने प्राण तक गवा देता है। स्पर्शन इंद्री कह रही है कि यह तख्त जो है, यह जो बिस्तर है, बेड है, वह कैसा है, कठोर है, इस तख्त पर नींद नहीं आएगी। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के विजेता, स्पर्शन इंद्रिय मांग रही है कि मुझे दल्लभ का गद्दा मिल जाता, आराम से नींद आती। ज्ञानी जीव क्या सोचता है कि मैं अनादि काल से, बहुत समय से दल्लभ के गद्दों पर सोते आ रहा हूं। यदि मैं ये 10 लक्षण पर्व लगे हैं इन दिनों में, तो कम से कम गद्दों का त्याग कर दूं, तखत पर विश्राम करूंगा, चटाई पर विश्राम करूंगा। हमारे जो मुनिराज होते हैं, दिगंबर साधु होते हैं, वह किस प्रकार से विश्राम करते हैं। हम कम से कम इन 10 दिनों का तो त्याग कर सकते हैं। यदि 10 दिन भी ना बने तो कम से कम आज उत्तम संयम का दिन है, प्रयास करने का कोशिश कीजिए। नहीं तो कल आकर के कहने लगो, माता जी ने तख्त पर सुला दिया, चटाई पर सुला दिया, और उसके कारण से कमर में दर्द हो गया। लेकिन जब आपकी कमर में दर्द हो, उस समय उन्होंने राजू को याद कर देना, कमर का दर्द आपका अपने आप पलायमान हो जाएगा। स्पर्शन इंद्री की
माता इंद्री क्या कह रही है। वाह, काश आज मुझे रसगुल्ले खाने को मिल जाते। अनेकों बाजार की वस्तुएं हैं और आजकल के छोटे छोटे बच्चे तो पता नहीं, कोई कहता है कि चाउमीन अच्छी लगती है, कोई कहता है बर्गर अच्छे लगते हैं, कोई कहता है मुझे डोसे खाने हैं, छोले भटूरे खाने हैं, जीभ में पानी तो नहीं आ रहा, आज व्रत का दिन है। अभी तो चाय नहीं पी, लेकिन सोच रहे होंगे कि आज तो 9:15 बज गए। प्रतिदिन 9:15 बजे छुट्टी हो जाया करती थी, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, श्रद्धा का दिन है, क्योंकि मुस्लिम वर्ग में रविवार, एतवार, और एतवार को क्या कहते हैं, मुस्लिम वर्ग में श्रद्धा को एतवार कहते हैं। जिसके जीवन में श्रद्धा आ जाती है, एतवार आ जाता है, उसके जीवन में सौम्यता, समता और संयम जागृत हो जाता है। तो कम से कम आप लोग मंदिर जी में बैठे हैं, उतनी देर के लिए तो मन में यदि भाव भी आ रहे हो तो त्याग करने का प्रयास करना कि मैं अनादि काल से खाते आ रहा हूं। एक दृष्टांत आता है, एक सेठ जी को रसगुल्ले बहुत पसंद थे। विपुल भाई खड़े हुए हैं, विपुल भाई बैठ जाए। तो एक सेठ जी को रसगुल्ले इतने पसंद थे, इतने पसंद थे, कि जब भी वह अपनी दुकान से लौटते, रास्ते में हलवाई की दुकान पड़ती, वहां से वह प्रतिदिन रसगुल्ले खरीद करके ले जाते या वहीं पर खड़े होकर के खाने लगते। एक दिन मुनिराज के चरणों में पहुंच गया वह व्यक्ति, वह सेठ, और मुनिराज के चरणों में जाकर के कहने लगा, महाराज जी मुझे कुछ नियम दीजिए, ध्यान रखना, नियम व्रत जो होते हैं वह दिए नहीं जाते हैं, दिए जाते हैं, जो जबरदस्ती दिए जाते हैं उनका पालन करना कठिन हो जाता है, और जो मन से इच्छा से लेता है उसका पालन सहज में हो जाता है। एक बार आहारचर्या के लिए पहुंचे, सोनीपत में चातुर्मास था, तो वहां पर एक व्यक्ति बाहर खड़े होकर के आहार देख रहा था। आहार के बाद मैंने पूछ लिया, आप यहीं पर रहते हो? बोले, हाँ माताजी, यहीं पर रहता हूं, ये मेरे छोटे भाई का घर है। मैंने कहा, आप मंदिर नहीं आते? तो उनका छोटा भाई कहने लगा, माताजी, बड़े भाई साहब मंदिर नहीं जाते। मैंने कहा, क्या बात है, मंदिर क्यों नहीं जाते? बोले, मेरा मंदिर जाने का त्याग है। क्या बोला? कि मंदिर जाने का त्याग है। मैंने कहा, भाई लोग तो अन्य
वस्तुओं का त्याग करते हैं और आप कह रहे हो कि मंदिर जाने का त्याग है। क्या बात है? ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपने मंदिर जाना छोड़ दिया? बोले वो फलाने फलाने महाराज जी आए थे और मैं प्रतिदिन मंदिर जाया करता था, तो महाराज जी कहा करते थे कि कोई नियम ले लो। जब भी मैं उनके पास जाता था वो एक ही बात कहते थे कि कुछ नियम ले ले, कुछ नियम ले ले, कुछ नियम ले ले। मैंने महाराज जी से कह दिया, महाराज जी आज से नियम लेता हूं कि मंदिर नहीं होगा, चिंतन करना। ये क्या है? कि मंदिर आता हुआ व्यक्ति मंदिर छोड़ गया। इसीलिए नियम भी कभी लो तो सोच समझ कर के लो। आकुलता में देखा देखी कोई नियम नहीं लेना तो वहां भी सेठ मुनिराज के पास पहुंचा और मुनिराज के पास पहुंच करके उसने कह दिया कि महाराज श्री मुझे कुछ नियम दे दीजिए। महाराज श्री ने कहा, सेठ जी आप ही कुछ नियम बता दीजिए, क्योंकि नियम मन से लिए जाते हैं। उसने महाराज श्री से बिना सोचे समझे नियम ले लिया कि महाराज श्री मैं रात्रि में अन्न की वस्तु नहीं खाऊंगा। क्या नियम लिया? कि मैं रात्रि में अन्न की वस्तु नहीं खाऊंगा। नियम तो ले लिया, लेकिन सेठ जी को क्या पसंद थे? काले काले गोल गोल पानी आ रहा है, बारवा जी फेर रहे थे, गरम गरम। जबकि दुकान से रोज गए, अब तो नियम में बंधे हुए कैसे रसगुल्लों को खाए। अब खाने की जगह घर ले जाने लगे कि सुबह जब होगा तो वे रसगुल्ले। प्रतिदिन की चर्या बन गई। एक दिन सेठ जी रसगुल्ले लेकर के घर तो पहुंच गए और रसगुल्लों को भी वे किचन में नहीं रखते, किचन नहीं रसोई। किचन किसे कहते हैं? जहां पर किच किच होती है। यदि आप लोग भी किचन कहते होंगे तो आज से किचन कहना छोड़ देना। जो किचन कहेगा उसके घर में निश्चित किचकिच होगी, और रसोई यदि कहोगे तो रस की अनुभूति होगी। जो गृहिणी भोजन बनाती है, नमोकार मंत्र पढ़ करके बनाती है, भक्ता पर पढ़ के बनाती है, भगवान का नाम लेकर के बनाती है, उसके घर में कभी किचकिच और जो हमारी भोजन बनाती है और सामने टीवी लगी हो, पिक्चर देख रही हो, सीरियल देख रही हो, क्रिकेट मैच आ रहा हो। एक बार मैच चल रहा था, किसी
उसी महिला ने आखिर के गुस्से बताया, बोले माता जी आज मेरे हाथ से टीवी फूट गई। मैंने कहा कैसे टूट गई टीवी आपके यहाँ से? बोले क्रिकेट मैच चल रहा था, मैं रसोई में भोजन बना रही थी, रोटी बेल रही थी और वहां पर छक्का लगा। तो मेरा हाथ भी और वह जाकर के कहा के सीधा टीवी पर लगा। बात समझने की है, रसना इंद्री की बात चल रही है तो वहां भी उस सेठ ने रसोई में ना रख करके गुलाब जामुन अपने बेड के पास अपने बेडरूम में ही रख लिए जहां सोने का स्थान होता है। जब वह लेट गए तो सेठ जी को रसगुल्ले की खुशबू परेशान करने लगी। बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग भी घड़ी की तरफ देख रहे होंगे बार बार कि माता जी कब छोड़े और हम चले जाएं। तो वहां भी शिव जी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। अभी तो रात्रि के मात्र 9:30 बजे हैं, लेकिन अभी इस समय क्या बजे है? 9:30 दिन के बजे हैं, लेकिन सेठ जी के रात्रि के 9:30 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। अब और व्याकुल होते जा रहे हैं, और व्याकुल होते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नींद आंखों में नहीं है, पेट में चूहे कूदने लगे। किस कारण से? रसगुल्ले की खुशबू के कारण से। एक बज गया, रात्रि के तीसरे पहर में नहीं रुका गया। मन में विचार आया, मन में छल आया, मायाचारी आ गई कि रसगुल्ले में ही तो अन्न है, इसकी जो चाशनी है वह किस चीज से बनी है? चीनी से बनी है। रसगुल्ले अलग कर देता हूं और चाशनी पी लेता हूं, खा लेता हूं। और उस सेठ ने चाशनी निकाली और चाशनी पी गया। अब चाशनी पीने के बाद शांति मिल गई नहीं मिली? चाशनी पीने के बाद शांति नहीं मिली और इच्छा तीव्र हो गई और एक एक करके सारे रसगुल्ले खाने पर मजबूर हो गया। सारे रसगुल्ले खा लिए। जब सारे रसगुल्ले खा लिए पेट में दर्द हो गया। डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को बुलाया, दवाई थी लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। फिर उसके मन में विचार आता है कि मैंने गुरुदेव से नियम लिया था, गुरुदेव से व्रत लिया था और आज मैंने व्रत को तोड़ दिया है। रसना इंद्री की लोलुपता के कारण से वह गुरुदेव के चरणों में पहुंचता है, गुरुदेव से क्षमा याचना करता है, प्रायश्चित लेता है और पुनः रात्रि
इन भोजन का आजीवन त्याग कर देता है। रसना इंद्री के बाद घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री क्या कह रही है? कि यह खुशबू है, दुर्गंध है कि सुगंध है? दुर्गंध हो जाती है तो नाक में सुगंध लेते हैं, और सुगंध मिलती है तो कितने मन में आह्लाद आ जाता है। चक्षु इंद्री क्या कह रही है? वाह कितना बढ़िया दृश्य है, कितना सुहावना दृश्य है, कितनी सुंदर पिक्चर देखने को मिल रही है। लेकिन जो समय दृष्टि जीव होता है वह क्या सोचता है? अनादिकाल से मैं पिक्चर देखते आ रहा हूं, अब तो मैं प्रभु के चरणों में जाकर के प्रभु की छवि को निहारूंगा। कर्ण इंद्री क्या कह रही है? वाह क्या सुंदर गाना है, बहुत सुंदर है। लेकिन कर्ण इंद्री पर विजय प्राप्त करने वाले क्या सोचते हैं कि मैंने बहुत सुन लिया, अब मुझे जिनवाणी माँ का श्रवण सुनना है। गुरु के मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, जो वाणी निकल रही है, उसे सुनना है। पांच इंद्री के बाद इंद्रिय संयम के बाद नंबर प्राणी संयम का आता है। प्राणी संयम की परिभाषा करते हुए हमारे आचार्यों ने कहा है, शटकाए जीव में न हनते, छह ढाला की छठी ढाल में। पंडित तोलतराम जी ने कहा है कि जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वह छह काय के जीवों के पूर्णतः त्यागी होते हैं। पांच स्थावर और एक त्रस, इस प्रकार से षट काय जीव होते हैं। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। इसका मतलब यह नहीं है कि ये मुनिराजों का है। मुनिराज तो पूर्णतः त्यागी हो सकते होते हैं, लेकिन आप लोग अनुव्रत रूप में अहिंसानुव्रत शावक के बारह व्रतों में पांच अनुव्रत होते हैं, तीन गुणव्रत होते हैं और चार शिक्षा व्रत होते हैं। और पांच अनुव्रत में पहला अनुव्रत है अहिंसानुव्रत। अहिंसानुव्रत का पालन करता है, संकल्प में हिंसा का त्यागी होता है कि बिना प्रयोजन के में लाइट, पंखा, पानी किसी भी प्रकार नहीं करूंगा, इन सब का वह त्याग कर देता है। अक्सर होता है कि सामूहिक स्थल होते हैं और सामूहिक स्थल पर लोग सोचते हैं मेरे क्या जाना है,
पंखा फालतू चल रहा हो, एक लाइट फालतू चल रही हो, नल खुला रह जाए तो छोटा बच्चा भी देखेगा और नल को बंद कर देगा, और सामने स्तंभ पर चल रहा हो तो उस समय हमारे भाव क्या है? घर में क्यों बंद करते हैं? क्या अहिंसानुवृत्ति है इसलिए? नहीं, बिजली का बिल सत्य है कि नहीं है? सत्य कड़वा होता है। घर में हम इसलिए बंद करते हैं कि बिजली का बिल आएगा, इसलिए एक पंखा चल रहा है फालतू में तो बंद कर देते हैं। घर में सारे ऐसे चल रहे हैं तो कहते हैं एक कमरे में सो जाओ। पानी ज्यादा बह रहा है तो सोचते हो पानी का बिल ज्यादा आएगा, लेकिन धर्म की दृष्टि से देखे तो वायु कई जीव की हिंसा, जल कई जीव की हिंसा से बचा जा सकता है। इस प्रकार से हम त्रस्काय जीवों की रक्षा से, षटकाय जीवों की रक्षा से हम बच सकते हैं। आज उत्तम संयम का दिन है और उत्तम संयम के दिन हमें अपने जीवन में संयम को कैसे धारण करना है। आपसे यह नहीं कह रहे कि आप हमें बनो। आई का माता जी बनो। यदि आपके अंदर क्षमता है तो उसे भी मत रोकना। यही भावना भाना यदि नहीं भी बन पा रहे हैं तो कि हे भगवान, मेरे पुण्य का उदय कब आएगा कि मैं दिलों की दीक्षा धारण करूं, आरिका के व्रत धारण करूं। यह जो दिगंबर है यह तलवार की धार पर चलने के समान है। ध्यान रखना घर की रोटी खाना आसान है, लेकिन समाज की आसान है ना? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बैठे बैठे बहुत आसान है साधु करना। क्या करना है? मात्र कपड़े उतार करके ही तो फेंकना है और हाथ में पिछली कमंडल लेना है और कुछ थोड़ी करना है। आरी का बनना आसान है, एक सफेद साड़ी ही तो ग्रहण करनी है, हाथ में पीछी कमंडल ही तो लेना है। एक बार एक बहन बोली, मैंने पूछ लिया बहन आपको व्रत लिए बहुत वर्ष हो गए, कम से कम तो आगे बढ़ने का तो प्रयास करो। बोले ले लेंगे। कब लोगे? बोले वो तो मेरे चुटकी का खेल है। चिंतन करना, जो कह रहे कि मेरी चुटकी का खेल है, क्या बनना? मैंने दीक्षा लेना। फिर मैंने पूछा बहन, बहुत साल पहले की बात है, अभी भी आई? मैंने कहा दीक्षा नहीं दी, आप तो कह रहे थे। बोले माता जी बहुत कठिन काम है, दीक्षा लेना आसान नहीं।
कहना आसान है, दीक्षा में एक एक पैर एक एक पल फूक फूक करके रखे जाते हैं। हम लोगों ने देख लिया साधु का जीवन कितना कठिन है। संयम के दिन आज कई लोगों के व्रत भी हो गए। किसका व्रत है? दसवीं का। कौन सी दसवीं है? सुगंध दसवीं। इसका नाम सुगंध दसवीं क्यों पड़ा? क्या कारण है? एक राजा था और उसकी रानी, राजा का नाम था प्रियंकर। प्रियंकर राजा की रानी। धर्म से हटी हुई थी, धर्म में उसका कोई मन नहीं था। एक दिन उस नगर में एक मुनिराज आ गए। सुगुप्ती नाम था उन मुनिराज का। मुनिराज का शरीर कृष था, शरीर महीन था। हाथ पैरों में गंदगी लगी हुई थी, मैल लगा हुआ था। उन्हें देख करके उस रानी ने मुंह बना लिया, मुंह सुगंध लिया। और मुंह सुगंधने के बाद वे मुनिराज आहारचर्या के लिए निकले हुए थे, विधि लेकर के आए हुए थे। निकल रहे थे, रानी ने जब देखा तो मुंह बना लिया और मुंह बना करके मुख में पान खा रही थी। मुनिराज को देख करके पान की बीक मुनिराज के ऊपर थूक दी। चिंतन करना कि कभी दिगंबर मुनिराज को देख करके, संयमी को देख करके मुख मत बनाना। ये सोचना यदि कोई गलती यदि किसी संयमी से हो रही है तो उस समय सोचना कि भगवान इनके कौन से कर्म का उदय है। उसका परिणाम क्या निकला? जब वे मरण को प्राप्त हुई तो अपने भव में मर करके कहीं गधी बनी, कहीं सुअर की पर्याय में गई, कहीं कुत्ते की पर्याय में गई। अनेकों पर्यायों में जाते हुए बाद में वह मगर देश के राजा के यहां पर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उस पुत्री का शरीर सुगंधित था क्या? नहीं, दुर्गंधित शरीर। उसके पास भी लोग आना पसंद नहीं करते थे। किस कारण से मालूम है आप लोगों को कारण क्या था? अभी बताया कि उसने पूर्व भव में मुनिराज की निंदा की थी और मुनिराज के ऊपर थूक दिया था।
शरीर कैसा मिला, दुर्गंधित शरीर मिला। और उस दुर्गंधित शरीर के कारण से सभी परेशान हो गए, माता पिता भी परेशान हो गए। एक दिन माता पिता को पता चला कि मुनिराज आए हुए हैं, मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए, उस पुत्री को भी ले गए। मुनिराज से पूछा, महाराज जी, इस बच्ची ने पूर्व में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसका परिणाम इसका शरीर दुर्गंधित है। मुनिराज ने अपने ज्ञान से बता दिया कि इसने पूर्व भाव में मुनिराज की निंदा की थी। इसका उपाय क्या है? मुनिराज ने उपाय बता दिया। भादो शुक्ला दशमी के दिन शीतलनाथ भगवान की अर्चना करना, पूजन करना, व्रत करना, उपवास करना और 10 वर्ष तक करना। जब 10 वर्ष व्यतीत हो जाए तो बड़े उससे इसका उद्यापन कर देना। आप लोगों ने भी यदि स्वप्न में भी किसी मुनिराज की निंदा की हो तो मन में क्षमा याचना करना कि हे भगवान, मुझसे गलती से। कहना क्या है कि उस दुर्गंधा ने व्रत का पालन किया और व्रत का पालन करने के बाद जब वह वन को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में गई और स्वर्ग से च्युत हुई तो मगध देश में पुनः उत्पन्न हुई और उसका नाम उसके माता पिता ने मनोमति रखा। क्यों रखा? मन को जो भावे पहले उसी के शरीर से दुर्गंध निकलती थी व्रत के प्रभाव से, वह उसका शरीर सुगंधित हो गया। उसके शरीर से सुगंध निकलती थी और वह सुगंधा कहें, मनोवती कहें। जब उसका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद भी वे धर्म में लगी रही, धर्म में ध्यान करती रही, मुनिराज के दर्शन किए। मुनिराज के दर्शन करने के बाद उसने अपने पूर्व भाव पता किए कि स्वामी, मैंने पूर्व में क्या किया था। जब उसे पूर्व भाव का पता चला कि मेरा सुगंधित शरीर क्यों मिला, तो उसने वहीं पर पुनः व्रत नियम लिए और यहाँ तक कि आरिका के व्रत धारण करके और आरिका के व्रत धारण करके स्त्री पर्याय का छेदन करके स्वर्ग पहुंच गई और स्वर्ग से आकर के पुनः मनुष्य पर्याय में जन्म ले लिया और मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के मुनि व्रत धारण करके मोक्ष सुख की प्राप्ति कर दी। यह है सुगंधदशमी व्रत। इस प्रकार से यह व्रत किया जाता है। हमें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ व्रत नियम संयम लेना है। यदि आप आजीवन नहीं ले पाओ
कुछ वर्ष के लिए भीना आज के दिन, वर्षों के लिए भीना ले तो आऊँ, कुछ महीनों के लिए ले लेना, कुछ महीनों के लिए भीना ले तो आऊँ, कुछ दिनों के लिए ले लेना, और कुछ दिनों के लिए ना ले पाओ तो आज के दिन के लिए तो कम से कम ले लेना, कि मैं आज के दिन कम से कम संयम से रहूँगा, किसी भी एक नियम का अपने मन में ले लेना। बोलिए देवाधिदेव आदिमान भगवान की, उत्तम संयम धर्म की, व्रत आचरण से विद्या।